कर्नाटक के शिवमोगा में देखा पीएम मोदी का जोरदार अंदाज, विपक्ष पर जमकर वार, कहा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को चुन चुन के साफ कर देना चाहिए। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान का पीएम मोदी ने किया पलटवार, कहा महिलाएं हैं शक्ति का रूप, उनकी रक्षा के लिए हमेशा लड़ा हूं और जान दे दूंगा। पीएम मोदी के पलटवार पर फिर बोले राहुल गांधी, सफाई देकर कहा हमने नहीं की धार्मिक शक्ति की बात। राहुल ने कहा जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी। शक्ति टिप्पणी पर दिग्विजय सिंह बोले दो तरह की शक्ति होती है, एक असुर एक देव शक्ति, मोदी सरकार असुर शक्ति है। दिग्विजय ने साथ साथ चुनाव आयोग को बताया सरकारी विभाग। खड़गे ने लगाया प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप, 17 जुलाई 2020 को अपने देश से वादा किया था कि 2022 तक हर भारतीय के सिर पर छत होगी, सबको घर देने की मोदी की गारंटी घपला निकली। बिहार एनडीए सीट शेयरिंग की आधिकारिक रूप से घोषणा, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने जानकारी दी। बिहार की 40 सीट में से भारतीय जनता पार्टी को 17, जेडीयू को 16 सीटें। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को मिली 5 सीटें, हमको 1, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर लड़ी। बिहार एनडीए में गठबंधन में सीट में ना मिलने से पशुपति पारस, मोदी कैबिनेट से दे सकते हैं इस्तीफा, सीट शेयरिंग से चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट मिलने से पशुपति नाराज। सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद बोले चिराग पासवान, कहा मेरा और मोदी जी का रिश्ता है, मैं उनका हनुमान हूं, 5 सीटें मिली हैं एक सांसद वाली पार्टी को, इससे ज्यादा क्या खुशी की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूरी जानकारी देने के लिए दिया गुरुवार तक का समय, कहा 21 मार्च शाम 5 बजे तक 100 पे इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी। पश्चिम बंगाल में आईपीएस विवेक सहाय को बनाया गया नया डीजीपी, चुनाव के दौरान दी गई अहम जानकारी। जिम्मेदारी, चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिव को भी लोकसभा चुनाव की ड्यूटी से हटाया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम के गृह सचिव चुनावी ड्यूटी से हटाए गए। गुजरात में चुनाव आयोग के आदेश के बाद आईएएस एके राकेश बने नए गृह सचिव। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत का दिखा मानवीय चेहरा, काफिला रोक करके घायल की मदद अपनी देखरेख में अस्पताल भिजवाया। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने ममता की चोट पर उठाए सवाल, कहा चुनाव के वक्त ही जाने कैसे लग जाती है उन्हें चोट, पिछले चुनाव में उन्हें पैर में चोट लगी थी। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल, आपने समन को बताया बैकअप प्लान, मनोज तिवारी का तंज, अरविंद केजरीवाल के पास अब सम्मान नहीं सिर्फ समन। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सत्येन जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सत्येन जैन की जमानत से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज की, फिलहाल मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर है सत्येन जैन। बिहार में पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली मोहन जेडीयू में शामिल, लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज। गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का दावा, राज्य में लगभग 3 से 5 लाख लोग सीए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे। ओलंपिक एसोसिएशन से भारतीय कुश्ती संघ ने हटाया बैन, पिछले साल कमेटी का गठन कर काम को देखकर किया था बैन। रामपुर के डूंगरपुर में रहने वाले लोगों की बस्ती उजाड़ने के मामले में आजम खान, डिप्टी एसपी अल हसन को मिली सजा, आजम खान को 7 साल। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को अभी नहीं होगी रिहाई, अब्बास अंसारी पर दर्ज अभी 2 केस में जमानत मिलना बाकी। कोलकाता में 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत भरभरा कर गिरी, हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत।